सबको दिखाई देने लग गया और मेरी वॉइस क्लियर आने लग गई। अभी शुरू हो गया ना, सभी को सबको दिखाई देने लग गया ना। अभी मेरी वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर आ रही है क्या सभी को? सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ जी सर, ठीक है। देखो आप, शुरू करते हैं अपन, कितने लोग आगे चल रहे। ठीक है, तो अपन ने पहले देखा था, शुरू से चल दूँ एक बार। हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ रहे थे और इसको सबसे पहले हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, EL207, जिसमें हमने टाइप्स क्या पढ़ रहे थे, मेमोरी और इनपुट आउटपुट वाला पढ़ रहे थे, मेमोरी टाइप्स। तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कितनी होती हैं। हमारी बेसिकली जो टाइप्स ऑफ मेमोरी होती हैं, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। अगर जब हम इंटरनल पर जाते हैं, इंटरनल मेमोरी पर और एक्सटर्नल पर जाते हैं, तो इंटरनल के अंदर होता है रैम होता है, रोम होता है, कैश होता है, वर्चुअल होता है, सिक्वेंशल होता है। और एक्सटर्नल के अंदर होगी जो हमारी मैग्नेटिक है, सॉलिड होगी, ऑप्टिकल हो गई। ऑप्टिकल के अंदर आती है हमारी CD, DVD और मैग्नेटिक के अंदर आ गई हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होगी, USB मेमोरी, और ये सारी की सारी चीज़ किस में आने लग गई, हमारी एक्सटर्नल में। और जब बात करते हैं हम प्राइमरी, तो हम रैम और रोम को ही सिर्फ प्राइमरी बोलते हैं। रैम और रोम को ही हम प्राइमरी बोलते हैं, इनको तो सबको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं, पर इसके अंदर बेसिकली जो रैम और रोम है, आर कॉल प्राइमरी और मेन मेमोरी, पूरी इंटरनल को नहीं बोलते हैं। तो मैंने कई जगह ये लिख भी रखा है यहाँ, इंटरनल ऑब्लिक प्राइमरी। वो बेसिकली जो इंटरनल मेमोरी में अंदर रैम और रोम ही होती है, बाकी के तो वो छोटी सी वैसी है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वलेंट में लिख दिया, बट एग्जैक्टली इक्वलेंट नहीं होता। इंटरनल के अंदर जो रैम और रोम होती है, उनको ही हम बोलते हैं प्राइमरी और मेन मेमोरी। इसके बाद आ जाते हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी पे। तो इसमें से हमने जो क्या क्या पढ़ लिया था, इंटरनल मेमोरी, तो इंटरनल मेमोरी हमने क्लासिफाई करी थी 5 भाग में। एक हो गई थी हमारी रैम, और रैम को हमने 2 तरीके से किया था, एक स्टैटिक रैम जिसको हम बोलते हैं, दूसरा हम डायनामिक रैम। मैं थोड़ा सा वापस से बता रहा हूँ, जो बच्चे आए नहीं थे उनके चक्कर में, जो बच्चे पहले आए नहीं हैं उनके चक्कर में मैं पूरा के पूरा बताता जा रहा हूँ थोड़ा सा ना। इंटरनल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें स्टैटिक रैम होगी और डायनामिक रैम होगी। फिर उसके बाद आते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी को हमने 4 भाग में क्लासिफाई किया था। 4 भाग कौन कौन से थे? एक था मास्क रीड ओनली मेमोरी, दूसरा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और चौथा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल मेमोरी। ये सारी की सारी हमारी क्या है, मेमोरीज थी। उसके बाद हमारी आ गई थी सिक्वेंशियल, इसके बाद हमारी आ गई सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। तो जिसमें से हम रैम के बारे में पढ़ चुके हैं,
रैम के बारे में पढ़ लिया, जिसमें मैंने स्टेटिक और डायनामिक दोनों को बता दिया। रीड ओनली मेमोरी के बारे में भी हमने चारों के बारे में पढ़ लिया, मास्टर रोम के बारे में पढ़ लिया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में पढ़ लिया, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम के बारे में पढ़ लिया, एंड इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम के बारे में पढ़ लिया। जो अब हमारा इंटरनल में से रह गई है वो तीन रह गई हैं, एक सिक्वेंशियल एक्सेस रह गई है, कैश मेमोरी रह गई है और वर्चुअल मेमोरी रह गई है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आ गए थे हमारी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं, ये सारे के सारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी, बेसिकली मैंने बताया था इंटरनल मेमोरी का ही पार्ट है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, दोनों इक्वलेंट, इसमें मैंने थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि गलत लिख दिया है, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। तो हम प्राइमरी मेमोरी को तो मेन मेमोरी बोलते हैं और इंटरनल के अंदर प्राइमरी और ये दोनों आते हैं। और जो मेन इसमें था, मेन मेन फीचर बताया था कि ये वोलेटाइल है नेचर में। वोलेटाइल का नेचर का मतलब होता है जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है। तो वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब डेटा लॉस्ट हो जाए, कब, जब हमने कोई, हमारा कोई कंप्यूटर बंद हो जाए, जब हमारे जब भी कभी भी डेटा लॉस हो जाए, वो कोई भी रीज़न हो कि हमारी पावर फेल्योर हो जाए, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, जिसके कारण भी हमारा अगर डेटा लॉस हो जाता है अचानक से कंप्यूटर बंद करवे पे, तो वो हो जाती है हमारी वोलेटाइल। द रीजन बिहाइंड इन प्राइमरी होल्ड डेटा दो ओनली दो इंस्ट्रक्शन इन विच कंप्यूटर करंटली वर्क। तो जैसे देखोगे तो हमारी जो मेन बता देता हूँ तुम्हें, जो हमारी इंटरनल मेमोरी जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या है कि जैसे कि अगर हमारा भी जो काम चल रहा है इसमें डिस्प्ले पे जो डेटा हमारा लॉस हो सकता है, वो हमारा आता है किसके अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। तो प्राइमरी मेमोरी को हमने दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया था, और ये भी बताया था मैंने कि जो प्राइमरी मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें क्या है, रजिस्टर से तो ये स्लो होती है बट सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्स आर मच फास्टर देन दीज मेमोरीज। तो कौन सी मेमोरीज से फास्टर है रजिस्टर, प्राइमरी मेमोरी से, बट इट इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, बट सेकेंडरी मेमोरी से ये मेमोरी, रजिस्टर्स आर मच फास्टर देन दीज मेमोरी बट इट इज़ फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो रजिस्टर से तो स्लो है क्योंकि उससे रजिस्टर ज़्यादा फास्ट हो गए, और जो सेकेंडरी मेमोरी है उससे ये फास्ट है। इट कंट्रे और ये लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इसमें जो कैपेसिटी हमारी वो बहुत कम होती है। ठीक है, बच्चा पार्टी है, यहाँ पब्लिक चैट के लिए नहीं है, नीरज एंड ये अजय नीरज जांगिड दोनों को ये यहाँ पर, ये पब्लिक चैट के लिए नहीं है, पब्लिक चैट बाद में करते रहना, यहाँ क्लास ले लो शांति से। ठीक है, तो उसके बाद प्राइमरी मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू दो टाइप में हुई थी, एक रैम हुई थी, एक रोम हुई थी। तो रैम के बारे में हमने पढ़ लिया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा प्रोग्राम एंड। तो ऐसी मेमोरी जो इंटरनल मेमोरी होती है किसकी, सीपीयू की होती है, और इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, प्रोग्राम को या प्रोग्राम के रिजल्ट को। ठीक है, तो इसमें प्रोग्राम रिजल्ट, इट इज़ ए रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज ऑफ रैंडम सेलेक्शन ऑफ मेमोरी। और इसको हम रैंडम बोलते हैं, रैंडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, रैंडमली सेलेक्ट करती है, किसी भी मेमोरी लोकेशन पर जाना हो तो ये रैंडमली जाती है और टाइम बराबर लेती है। जैसे कि अगर मेरी ये मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी लोकेशंस मैंने क्लास में बताई, अगर तुमने क्लास लिया, ऐसे मेमोरी होती है जो कि हमारी चलती है 00 से लेके 4 बार 0 से लेके FF तक, मैंने ऐसा कुछ बताया था ना कि इस मेमोरी की लोकेशन है 000H हेक्साडेसिमल के अंदर, और उसके बाद आ जाती है ये लास्ट होती है हमारी FFF 4 बार F। देखो, तो इसके अंदर जब भी हम रैम के अंदर कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो ये क्या है कि जो सर्च करती है
वो हर एक पोर्शन पर रेंडमली सर्च करती है, तो इसलिए वो टाइम, चाहे मैं इस मेमोरी लोकेशन पर पहुंचना हो या इस मेमोरी लोकेशन पर पहुंचना हो चाहे इस पर, तो हमेशा टाइम तो एक तो हमें मेरा बराबर लगेगा रैम के अंदर। टाइम जो कंज्यूम होगा किसी भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुँचने में वो बराबर होता है। और दूसरा, ये रेंडमली सेलेक्ट करती है। रेंडमली का मतलब है ऐसा नहीं है कि पहले ये 0 0 वाली मेमोरी पर जाएगी, फिर 0 0 1 वाली मेमोरी पर जाएगी, फिर 0 0, रेंडमली जाती है कि यहाँ से सीधी इधर भी चली जाएगी, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, रेंडमली कहीं भी चली जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे, मेमोरीज एज इजी टू रीच ऑन अदर लोकेशन एंड टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ये मैं बता चुका हूँ, रैम का मैंने ये डायग्राम बता दिया। रैम वोलेटाइल होती है नेचर में, और दोनों चीज़ में ये स्मॉल होती है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल साइज, एंड रैम इज ए स्मॉल बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल साइज एंड अमाउंट ऑफ डेटा कैन होल्ड। तो रैम की जो मेमोरी है हमारी, ये बहुत कम है, मतलब साइज में भी ये कम होती है। देखा जाएगा तो बहुत पतली सी चिप होती है, अगर ये जो सामने रखी हुई है, अगर तुमने अगर कंप्यूटर्स में देखी होगी तो ये है। और ये जो डेटा को भी स्टोर करती है वो कम होता है, जैसे कि अगर तुम देखोगे अपने मोबाइल के अंदर, जब भी कभी स्पेसिफिकेशन देखोगे या मोबाइल खरीदोगे, तो एक बात तुम्हें बहुत क्लियरली समझ में आएगी कि ऐसे बोलते हैं 3 GB RAM, 3 GB RAM और 128 उसकी जो एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। पहले जब हम कार्ड लगाते थे जो जो एक्सटर्नल थी, अब वो भी इंटरनल ही हो गई। तो रैम और रोम हमारी वहाँ पे तुम देखने को मिल सकती है। रैम कैरेक्टराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो रैम हमारी जो होती है, एक स्टेटिक रैम होती है, एक डायनामिक रैम होती है। इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया था, पर मैंने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ सब कुछ साफ साफ लिख दिया था कि जो स्टेटिक रैम होती है वो उसकी जो लॉन्ग लाइफ होती है, किसके डेटा को स्टोर करने की लॉन्ग लाइफ रहती है बजाय डायनामिक रैम के, ये रहा शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम। तो दोनों के बारे में बता रहा हूँ मैं। इसमें तो क्या होता है कि लॉन्ग लाइफ होती है किसको, डेटा को स्टोर करने की, और इसमें बहुत शॉर्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें डायनामिक के अंदर हमारा डेटा लीकेज हो जाता है। लीकेज क्यों हो जाता है, उसका रीज़न है, इसमें तो हम कैपेसिटर यूज नहीं करते। जो हमारी स्टेटिक रैम है इसमें हम कोई भी कैपेसिटर यूज नहीं करते, ओनली क्या यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर्स। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, परेशान मत होना, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इसलिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक रैम। तो इसमें हमारा क्या हो गया कि ये लॉन्ग लाइफ टाइम होती है किसको, डेटा को स्टोर करने की, और बजाय इसमें होती है हमारी शॉर्ट टाइम लाइफ टाइम। इसमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि जब डेटा लॉस हो रहा है तो बार बार हमको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है डायनामिक रैम के अंदर। और वैसे इसमें देखोगे स्टेटिक के अंदर हमें नो नीड टू रिफ्रेश, क्या है, नो नीड टू रिफ्रेश, यहाँ कोई रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये फास्टर होती है बजाय डायनामिक रैम के, जो हमारी स्टेटिक रैम होती है ये फास्टर होती है बजाय डायनामिक रैम के। यूज एज ए कैश मेमोरी, जो हमारी कैश मेमोरी होती है जिसके बारे में मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, उसमें हमारी स्टेटिक रैम का हम यूज करते हैं। और उसके बाद लार्ज साइज, लार्ज साइज इन कंपेरिजन टू डायनामिक रैम। देखो, रोम और रैम में जब कंपेरिजन करेंगे तो रोम की साइज लार्ज है, बट अगर हम स्टेटिक रैम और डायनामिक रैम के बारे में बात करेंगे तो डायनामिक रैम के बजाय स्टेटिक रैम ज़्यादा लार्ज होती है। अब जो कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, रैम के अंदर ही कर रहा हूँ, रैम के जो दो पार्ट हैं, एक स्टेटिक रैम और डायनामिक रैम। तो ये मत सोच लेना, कई बार ये कहोगे सर वहाँ तो बताई थी कि इसकी डेटा की साइज भी वो स्मॉल होती है, कैपेसिटी भी स्मॉल होती है और इनएक्सपेंसिव होती है, पर अब यहाँ पे आप उल्टा बता रहे हो। तो मैं अभी जो कंपैरिजन कर रहा हूँ स्टेटिक रैम और डायनामिक रैम के बारे में कर रहा हूँ। तो स्टेटिक रैम और डायनामिक रैम के बारे में जो हो रहा है उसमें से मेरे कंपैरिजन है कि उसमें जो डेटा को ज़्यादा देर तक स्टोर कर लेता है स्टेटिक रैम में, उसमें कम देर तक करता है स्टेटिक रैम में। नो नीड टू रिफ्रेश, रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, स्टेटिक रैम डायनामिक रैम के बजाय फास्टर होती है। यूज एज ए कैश मेमोरी, स्टेटिक रैम एज ए कैश मेमोरी यूज होती है, ठीक है, और जो डायनामिक रैम है वो रैम की तरह यूज होती है। और ये लार्ज साइज होती है स्टेटिक रैम बजाय डायनामिक रैम के, और इन एक्सपेंसिव होती है, सॉरी एक्सपेंसिव होती है बजाय डायनामिक रैम के। भाई जिसकी कैपेसिटी ही लार्ज है तो वो तो एक्सपेंसिव तो होगी, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी लोगे। अगर तुम तो मोबाइलों में देखोगे 3 GB RAM और 4 GB RAM, तो कौन सा मोबाइल महंगा आता है, जिसकी रैम ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी अगर आप बढ़ा रहे हो
तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या नाम कॉस्ट तो इंक्रीज होगी। तो हमारी जो स्टेटिक रैम है उसके बजाय डाटा स्टोर ज़्यादा करती है, तो इसलिए हम उसको एक्सपेंसिव भी होती है। हाई पावर कंजप्शन, और जो पावर कंजप्शन है वो भी इसमें ज़्यादा होता है। और जो हमारी डायनामिक रैम है मैंने बताया उसका उल्टा है, ये शॉर्ट लाइफ टाइम है, इसमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, स्लोअर एज कम्पेयर टू स्टेटिक रैम है। यूज्ड एज ए रैम है स्मॉलर साइज में, भाई वो लार्जर रहती है स्मॉलर साइज में, वो एक्सपेंसिव है तो ये लेस एक्सपेंसिव है, और वो अगर मोर पावर कंजप्शन है तो ये लेस पावर कंजप्शन है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा रोम। तो रोम के बारे में मैंने बताया था, रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब है सिर्फ इसमें रीड कर सकते हैं, और रैम के अंदर हम रीड और राइट दोनों काम कर सकते थे, ठीक है। रोम में रीड ओनली मेमोरी, तो इसका मतलब इसमें ये, और ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। नॉन वोलेटाइल इन नेचर का मतलब है कि इसमें मैंने जो डेटा डाला है वो मेरा डेटा क्या होगा, लीकेज सॉरी वो नहीं करेगा। मतलब कि डाटा ऐसा नहीं है कि मेरी पावर फेल्योर होगी या वो डाटा परमानेंटली लॉस्ट नहीं होगा। और इसका मैंने एग्जांपल बताया था कि जो हम बायोस करते हैं, बायोस बोलें, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे विंडो, लाइनेस, लाइनेक्स। अगर मोबाइल में बात करें तो हम मोबाइल के अंदर भी हमारा क्या होता है, एंड्रॉयड है, पहले भी सेम्बियंस वगैरह, जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हमारा कंप्यूटर रन करता है, मोबाइल रन करता है, उन सबको हम रोम के अंदर स्टोर करते हैं। रोम के अंदर क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि बार बार हमें ऐसा नहीं चाहिए कि बार बार हमारी विंडो उड़ जाए, बार बार हमें एंड्रॉयड, ऐसा नहीं है कि हर बार हमें विंडो चलानी पड़ी, लैपटॉप चलाना पड़ा तो हर बार हमें विंडो डालनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं है ना। एक बार जो हमने विंडो डाल दी, और ऊपर से उस विंडो के अंदर हम कोई चेंज भी नहीं कर सकते, उस विंडो के अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। उसका रीज़न यही है क्योंकि उसमें जो एक बार डेटा डल गया वो परमानेंटली डल जाता है और नॉन वोलेटाइल होता है, स्टोर परमानेंटली एंड मच मेमोरी आर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर के टाइम पर ही हो जाता है। उसके बाद रोम ऑफर्स हुज टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टू सेव डेटा इन परमानेंट मेमोरी, बहुत सारे ये बताते हैं। टाइप्स ऑफ रैम मैंने रोम बताई थी मैंने, मास्क रीड ओनली मेमोरी, एक एक वर्ड याद रखना है क्योंकि ये कहीं कॉम्पिटिशन्स में भी तुमको खूब मिलोगे, कॉम्पिटिशन्स में भी ये बहुत टॉपिक यूज होता है, मास्क रीड ओनली मेमोरी, चाहे भले से आप टेक्निकल कंपटीशन दो या नॉन टेक्निकल। दूसरा हो जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं प्रोम। चौथा हो जाता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM। और इसके बाद आ जाता है हमारे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हम इसमें आ जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है MROM, जिसका है मास्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है, हार्ड वायर्ड होते हैं, इसमें प्री प्रोग्राम डेटा इंस्ट्रक्शन लोड होते हैं, और ये इनएक्सपेंसिव होती है, सस्ती होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोम में। प्रोम में क्या है, रीड ओनली मेमोरी तो अब ये सारी रहेंगी क्योंकि इसका नाम ही रीड ओनली मेमोरी है, दैट कैन मॉडिफाई ओनली वंस बाई यूजर। इसमें प्रोग्राम प्रोम के अंदर क्या है कि एक बार खाली कागज़ की तरह एक बार किसी ने डेटा डाल दिया तो उसके बाद एक बार ही यूजर इसमें डेटा को अपनी मर्जी से डेटा को डाल सकता है, और एक बार जब डल गया तो उसमें क्या है फ्यूजेज होते हैं कुछ, वो फ्यूजेज बर्न आउट हो जाते हैं, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि उस डेटा को हम मिटा दें, इरेज कर दें, इरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। जो एक बार डेटा डल गया, बट यूजर को एक बार डेटा डालना अलाउ रहता है इसके अंदर, ठीक है। और पहले MROM के अंदर पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही हमारा डेटा डल के आता है, प्री प्रोग्राम पहले ही जो डेटा है वो फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि यूजर मन चाहे तो डाल ले। और ये इस तरह से हो गई कि एक कोरे कागज़ की तरह का, अगर तुमने रेड पेन से कोई चीज़ लिख दी और पूरा पेज रेड पेन से भर दिया तो ऐसा नहीं है कि उस रेड पेन को तुम मिटा कर दोबारा कुछ से लिख लो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हम PROM। प्रोम के बारे में मैंने बता दिया, PROM वही आ गया हमारा रीड ओनली मेमोरी डेटा है, वेरी एक्सपेंसिव होती है थोड़ी सी, और परमानेंट डेटा इन डिजिटल लॉजिक वगैरह में यूज करते हैं। इसके बाद आगे तुम्हारा EPROM। तो EPROM हो गया, दिस इज़ द टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी रीप्रोग्राम, वी कैन इरेज डेटा फ्रॉम इट प्रोग्राम। मतलब इसमें देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है, इरेजेबल मतलब जिसको हम मिटा सकते हो, एक बार डेटा जो डाल दिया उसके बाद उस डेटा को हमें मिटाना हो तो हम मिटा सकते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, इरेज कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल मतलब उसको हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं, मतलब एक बार इरेज भी कर सकते हैं और दोबारा से हम उसमें प्रोग्रामिंग भी डाल सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी तो ऐसी जिसमें हम डेटा को भी डाल दें, डेटा को हम हटा भी दें, तो ऐसी ये होती है हमारी EPROM।
और इसमें क्या है, वी कैन इरेज डेटा फ्रॉम इट एंड रीप्रोग्राम इट दैट इन इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा बाई यूजिंग हाई वोल्टेज। और किससे मिटाते हैं इसमें, अल्ट्रा वायलेट रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज डालते हैं जो हमारी चिप होती है उसमें, अल्ट्रा वायलेट, जैसे ये मेरी रोम है ईपी रोम, इसके अंदर हम अल्ट्रा वायलेट रेज डालेंगे, इससे डेटा को हम इरेज कर सकते हैं। बट इसकी एक कंडीशन है कि इसमें जो डेटा इरेज होगा वो कंप्लीट चिप पर होगा, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा पोर्शन है जिसका हमने डेटा इरेज कर लिया, ना, इसमें तो पूरा की पूरा जो डेटा है वो इरेज होगा, ठीक है, पूरा के पूरा डेटा इरेज हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इट रिक्वायर इरेज ईच सेल इन ईपीरोम, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही सेल को इरेज करना पड़ेगा, इसमें जितने भी सेल्स हैं कंप्लीट चिप को हमें इरेज करना पड़ता है। किससे करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे से करते हैं, डेटा को हम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें जो टाइम लगता है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, करीब 40 मिनट के इर्द गिर्द इसमें टाइम लगता है। यूजुअली एन ई पी रोम इरेजर अचीव द फंक्शन, जो हमारी ई पी रोम है वो इरेज करते हैं इस फंक्शन को ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज इंसुलेटेड गेट रीजन में, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद आ गया था हमारा ई पी रोम, ई ई प्रोम, ई ई प्रोम का मतलब क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली में तो ओनली ये रीड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल का मतलब है कि जो हम अभी अल्ट्रा वायलेट रेज से इरेज कर रहे थे, अब इसमें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेज करेंगे, इरेज तो हम कर ही सकते हैं साथ में प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और इसमें जो टाइम लगता है इरेजिंग और प्रोग्रामिंग में ओनली 4 से 10 मिली सेकेंड लगता है, और देखो यहाँ कितना लग रहा था, 40 मिनट, कहाँ 40 मिनट और कहाँ 4 से 10 मिली सेकेंड, तो कितनी फास्ट हो गई। देर इज ए नो नीड फॉर अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट की कोई भी नीड नहीं करती है। और दूसरी, वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ ए चिप, जैसे कि उसमें हमारी पूरी चिप को इरेज कर रहे थे, उस पूरी चिप को इरेज करने के बजाय इसमें चाहे मैं इस कॉर्नर को इरेज करना चाहूँ तो इस इरेज कॉर्नर को इरेज कर सकता हूँ, इस कॉर्नर को इरेज करना चाहूँ तो इसको, जबकि हमारा ई पी रोम के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं था। ई पी रोम के अंदर क्या था हमारा, कि अगर पूरा ही चिप इरेज होती तो पूरी चिप इरेज होती, प्रोग्राम डाल तो सकते थे पर लगभग 40 मिनट के आसपास प्रोग्राम डालने में और मिटाने में लग जाते थे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे 4 से 10 मिली सेकेंड लग रही है, अल्ट्रा वायलेट लाइट की जगह पर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें अबाउट 10,000 टाइम्स तक कोई दिक्कत नहीं है, आप डेटा को बार बार रिपीट करो, मिटाओ करो मिटाओ करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद ई पी रोम लोकेशन सेलेक्टरी इरेज प्रोग्राम, ये मैंने बता दिया, इसमें जो पहले आप बायोस में हम सीमोस मेमोरी वगैरह ले रहे हैं वो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है एडवांटेज ऑफ रोम, एडवांटेज क्या है हमारे रोम के, सबसे पहला नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मैंने बताया था रैम तो हमारे वोलेटाइल होती है नेचर में, वोलेटाइल का मतलब क्या है कि डेटा सेव नहीं रहता परमानेंटली, मतलब डेटा डिलीट हो जाता है, जैसे ही हम काम कर रहे हैं जब तो ठीक है, नहीं है तो हमारा डेटा चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, नहीं कर सकते, चीपर देन रैम, इजी टू टेस्ट, मोर रिलायबल, स्टैटिक डू नॉट रिक्वायर्ड, ये यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ। और अब जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में हम क्या पढ़ेंगे, रुचि ये थर्ड ईयर की क्लास नहीं है, सेकेंड ईयर क्लास चल रही है, ठीक है। इसके बाद आगे सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, यहाँ से हम पढ़ेंगे अब नया टॉपिक, इसके बारे में मैंने अभी नहीं पढ़ाया तो आज ये नया वाला टॉपिक है, इसको हम करने वाले हैं। तो सिक्वेंशियल एक्सेस मीन्स दैट मस्ट सर्च स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम बिगनिंग ऑफ ए मेमोरी एड्रेस अंटिल इट फाउंड द रिक्वायर्ड पीस ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, देखो सिक्वेंशियल एक्सेस मीन्स, देखो इसका नाम है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, जिसका नाम है सिक्वेंशियल एक्सेस मीन्स, सिक्वेंशियल एक्सेस मीन्स का मतलब है सिस्टम मस्ट सर्च, जो हमारा सिस्टम है वो क्या करेगा, सर्च करेगा किस तरह से, जो हमारे स्टोरेज डिवाइस है उसमें फ्रॉम बिगनिंग टू द मेमोरी एड्रेस अंटिल इट फाइंड ए रिक्वायर्ड पीस ऑफ डेटा, मतलब ये जब तक सर्च करता रहेगा जब तक हमारा डेटा नहीं करेगा। जैसे कि अगेन मैंने पहले बताया था ये हमारा मेमोरी है,
ठीक है, और मेरी वॉइस वगैरह अभी क्लियर चल रही है, मुझे एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, अब मुझे एक बार ये बता दो कि सभी क्लास सही चल रही है, वॉइस सही चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, जब मैं नेक्स्ट वाले अब जो टॉपिक है इसको पढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, अभी क्लियर है सब कुछ? ठीक है भाई, अब देखो, अब सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में हम देखते हैं, उसमें क्या है कि जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो मेरा डेटा था, अगर यहाँ कोई डेटा डला हुआ है, इसमें से माना कि इस वाले पे मेरा डेटा डला हुआ है 55। अब सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में जब भी हमें सर्च करना पड़ेगा, पहले हम इस वाली लोकेशन को सर्च करेंगे, फिर इस वाली को सर्च करेंगे, फिर इस वाली को करेंगे। अगर हमें डेटा मिल गया तो ठीक है, फिर हम सर्च करना बंद कर देंगे। अदरवाइज अगर ये डेटा यहाँ पे होता, ये डेटा इधर होता, तो हमें नेक्स्ट और सर्च करना पड़ता, फिर और सर्च करना पड़ता, फिर और सर्च करना पड़ता, फिर और सर्च करना पड़ता। जैसे कि अगर तुम्हें मैं बताऊं, तुमने अगर देखी होगी, पहले एक ऑडियो कैसेट्स आती थी, ऑडियो कैसेट्स आती थी, तो ऑडियो कैसेट्स के अंदर क्या हो रहा था कि हमारा जो ऑडियो कैसेट है उसमें अगर गाने भरे हुए हैं 6 गाने, तो पहले गाने को सुनना पड़ेगा, फिर दूसरे को सुनना पड़ेगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे का, तभी हम छठे पे पहुंच सकते हैं। मतलब एक सीक्वेंस में काम चलता था। बट हमारे जैसे ही सीडी डीवीडी प्लेयर आए थे, तो उसमें क्या आया था कि हम चाहें तो 5वां गाना डायरेक्ट लगा सकते थे, बट इसके अंदर ऐसा नहीं था। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में तो क्या है कि हम जो डेटा है उसको सीक्वेंस वाइज सर्च कर रहे हैं, पहली लोकेशन, फिर दूसरी लोकेशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे हर एक लोकेशन को सर्च करना पड़ेगा। तो देखो, लोकेशन को सर्च करना पड़ेगा तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और रैम के अंदर हमारा क्या हो रहा था कि रैंडमली सेलेक्ट कर रही थी, कोई सी भी लोकेशन पर पहुँच सकते थे, हम रैंडमली पहुँच सकते थे हर कोई एक लोकेशन पर। ठीक है, तो मेमोरी डिवाइस विच सपोर्ट सच एक्सेस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ऐसी डिवाइस जो कि सिक्वेंशियल को करती हैं, उस वाले को हम बोलते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। मेमोरी डिवाइस विच सपोर्ट सच एक्सेस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और इस सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। जो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप मतलब कि एक्से, देखो अगर पता नहीं मुझे तुम्हारे बचपन में थी कि नहीं थी, पर हमारे बचपन में तो ऐसी थी, एक ऐसे कैसेट आती थी और जैसे उसमें हम चलाते थे ऐसे। अब पता नहीं, मेरी डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ बना देता हूँ। कुछ ऐसे कैसेट होती थी और इसमें यहाँ रील रहती थी खूब, यहाँ पर ऐसी थोड़ी सी ये ऐसी रहती थी और यहाँ पर रील चलती थी ऐसे, और इधर इकट्ठी होती जाती थी और इधर से खुलती जाती थी, और जब इधर से चलती थी तो इधर इकट्ठी होती जाती थी। आई थिंक, पता नहीं तुम लोगों ने देखी है नहीं देखी। तो ये जो सीडी वो आती थी, हमारी कैसेट आती थी ऑडियो वाली, ऑडियो रिकॉर्डिंग वाली, वो सिक्वेंशियल चलती थी। और पहले जो मूवी भी आती थी थिएटर में, वो भी एक रील के थ्रू चलती थी, तो वो रील भी ऐसे ही कंटिन्यूसली सिक्वेंस में चलती थी। ऐसा नहीं है पहला सीन के लिए, वो कंटिन्यूसली फ्लो में चलती थी और वो इसी तरह से होती थी, एक जगह से खड़ी इकट्ठी होती थी, दूसरी जगह पर वो चलती थी। तो मैग्नेटिक टेप इज एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो सिक्वेंशियली चले, मतलब इसमें एक लोकेशन से पहुंचने, दूसरी लोकेशन पर पहुंचने के लिए सिक्वेंस से ही गुजर के जाना पड़े, तब तो है हमारी वो सिक्वेंशियल। फिर आती है हमारी कैश मेमोरी, दूसरी कहते हैं हमारी कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप सीपीयू। तो जो कैश मेमोरी है हमारी, बहुत ही हाई स्पीड की सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इट एक्ट एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। जो इसकी मेन लाइन है, ये लाइन समझने वाली है, इट एक्ट एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि जो सीपीयू और मेन मेमोरी, हमारा ये सीपीयू काम कर रहा है अभी, जो सीपीयू क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और डेटा किसके बीच स्टोर है? मेरा मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी और सीपीयू को बार बार डेटा की एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, पर हम क्या करते हैं, कई बार फ्रिक्वेंट चीज़ें यूज करते हैं, बार बार एक ही चीज़ को दोबारा खोल रहे हैं, कर रहे हैं, दोबारा खोल रहे हैं, कर रहे हैं,
तो उसमें बार बार मेन मेमोरी तक जाना, बार बार मेन मेमोरी से आना बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, क्या लगता है? बड़ा टाइम लगता है। और जो बड़ा टाइम लगता है तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में ये कैश मेमोरी होती है, जैसे कि ये मेरी हो गई मेन मेमोरी, ये मेरा सीपीयू है। ठीक है, अब सीपीयू से मुझे बार बार डेटा को एक्सेस करना है, मैं मेन मेमोरी से लूँगा। बट क्या होता है कि कोई डेट कुछ डेटा ऐसा होता है कि जो मुझे कंटिन्यूसली बार बार यूज हो रहा है, तो वो जो डेटा बार बार यूज हो रहा है, फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, कि जैसे यहाँ से कुछ डेटा उठाया, फिर दोबारा इस डेटा की ज़रूरत होगी तो यहाँ से ले लिया, फिर डेटा उठाया, फिर दोबारा ज़रूरत हुई तो ये यहीं से ले लिया, इसको बार बार यहाँ तक नहीं जाना पड़े मेन मेमोरी तक। तो एक बीच में होती है कैश मेमोरी, ऐसे उसको दिखती नहीं है, और इसको वैसे तो बोलते हैं छुपी हुई मेमोरी। छिपी हुई मेमोरी का मतलब है कि ये मेमोरी हमें कहीं भी शो ही नहीं होती है, ये जो मेमोरी है वो हमें शो ही नहीं होती है कि कहाँ है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसकी कोई हमने चिप लगा रखी है। ठीक है, तो ये हमारी कैश मेमोरी, जिसको हम छिपी हुई मेमोरी बोलते हैं, इसका कैच का मतलब ही होता है एक छुपा हुआ होना, कंसील मेमोरी। कुछ लोग इसको बोलेंगे कंसील मेमोरी भी बोल सकते हैं, कंसील का मतलब है छुपी हुई मेमोरी। ठीक है, तो सीपीयू जो कर रहा है, तो सीपीयू को बार बार जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा है बार बार, उस डेटा को कैश मेमोरी में सेव कर देता है, और कैश मेमोरी से उस डेटा को ये बार बार यूज कर लेता है। उसके लिए हर बार इसे मेन मेमोरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, एक बफर का काम करता है, किसके बीच में, सीपीयू और मेन मेमोरी के, ये जो सीपीयू है और ये मेन मेमोरी, इनके बीच में एक बफर का काम करता है। मतलब ऐसे डेटा को प्रोवाइड कर देता है जो सीपीयू को बहुत बार ज़रूरत है, बार बार ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे डेटा को ये अपने पास स्टोर करके रखता है कैश मेमोरी में। एक हम भी ये कह सकते हैं जैसे कि शॉर्टकट की तरह। ठीक है, इट इज़ यूज टू होल्ड दोज प्रो पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाई द सीपीयू। और ये ऐसे ही डेटा को स्टोर करती है जिसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा यूज डेटा हो रहा है, किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। अगर सीपीयू के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा बार बार यूज हो रहा है, ऐसे डेटा को जो स्टोर करती है वो कौन सी करती है, कैश मेमोरी। द पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, द पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क टू द कैश मेमोरी वाई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको जो बहुत बार फ्रिक्वेंसली यूज हो रहा है उसको कैश मेमोरी में ट्रांसफर कर देगा। डिस्क मतलब वही हमारी जो ये मेमोरी है, तो इससे मेन मेमोरी से, डिस्क से कैश मेमोरी में उस डेटा को ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैश मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर देगा, और उससे क्या होगा, कैश मेमोरी से बार बार सीपीयू से लेता जाएगा। फ्रॉम वेयर सीपीयू कैन एक्सेस दैम, जहाँ से हमारा जो सीपीयू है वो एक्सेस कर लेगा। कैश मेमोरी लाइज बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, तो कैश मेमोरी हमारी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लाई करती है। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि ये लाइन तुम्हें क्लियर हो गई है, कैश मेमोरी वाली और सिक्वेंशियल वाली, जब मैं आगे बढ़ता हूँ। दोनों में कोई डाउट है तो अभी मुझे बताते जाओ। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, पूछ सकता है। अभी तो यहीं की यहीं है, अभी अपना पेज पलटा नहीं है, तो जल्दी से मुझे बता दो कि कौन सी चीज़ है जो इसमें समझ में नहीं आई। कैश मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और क्या काम कर रही है, ये मैंने अभी बता दिया तुम्हें। जल्दी से बता दो कमेंट करके। जल्दी से बता दो क्या चल रहा है। बताओ बताओ कमेंट आई नहीं रहे, क्या बात है, मुझे नहीं सो रहे क्या। एक मिनट इधर देख लेता हूँ कमेंट आ रहे हैं क्या। देने बताओ बताओ। हाँ कोई है क्या बता रहा है, कुछ डाउट्स वगैरह, जल्दी से मैं आगे बढ़ूँ। मुझे यार लाइव चैट ऐसा लग रहा है जैसे दिखाई नहीं दे। नो डाउट, हाँ आपके बाद नीरज का आया है। आगे कोई समस्या,
आगे बढ़ दिया जाए। आगे बढ़ा जाए। चलो आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो इसको ठीक है, कैश मेमोरी के बारे में हो गया। इसके बाद आ गया हमारा इन इट इज़ कॉल्ड सीपीयू मेमोरी। इसको हम कैश मेमोरी को क्या बोलते हैं? सीपीयू मेमोरी भी बोल सकते हैं। दैट ए कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर क्विकली देन इट कैन एक्सेस रेगुलर रैम। और इसको हम सीपीयू मेमोरी भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि अब बार बार डिस्क मेमोरी से नहीं आ रहा, अब सीपीयू डायरेक्ट डेटा किससे एक्सेस कर रहा है? कैश मेमोरी से। तो कैश मेमोरी कहाँ है? और कहीं नहीं होती है, सीपीयू में ही होती है। वो बार बार वहीं से डेटा को एक्सेस करता रहता है, तो इसलिए इसको सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर क्विकली, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा क्विकली उसको डेटा को एक्सेस कर देता है बजाय रेगुलर रैम के। दिस मेमोरी इज टिपिकली इंटीग्रेटेड डायरेक्टली विद द सीपीयू। और जो ये मेमोरी है ये हमारी टिपिकली इंटीग्रेटेड होती है, मतलब इसको हम लगाते हैं किस में? सीपीयू चिप के साथ ही लगा देते हैं इस मेमोरी को। ऐसा नहीं है कि ये अलग से कोई चिप लगाई जाती है, ठीक है? तो इसमें कोई अलग से चिप नहीं लगा रहे। इट प्लेस्ड ऑन ए सेपरेट चिप दैट कैन सेपरेट बस इंटर कनेक्ट विद द सीपीयू। तो ये जो है प्लेस इन सेपरेट चिप दैट हैज ए सेपरेट बस, ठीक है, दैट हैज ए सेपरेट बस इंटर कनेक्ट विद सीपीयू। कैश मेमोरी सेव्स टाइम एंड इंक्रीज इफिशेंसी। जो कैश मेमोरी है वो हमारे टाइम को भी बचाता है, इफिशेंसी को भी इंक्रीज करता है। बिकॉज मोर रिसेंटली प्रोसेसिंग डेटा इज स्टोर इन विच टेक्स फैचर फैचिंग इजियर। तो ये मोस्ट रिसेंटली और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है उसको बार बार उठा रहा है, बीच में ही है, सीपीयू के जस्ट पास है, मेन मेमोरी पर बार बार जाना नहीं पड़ रहा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं कैश मेमोरी के, जिससे कि हमारा डेटा होता रहता है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ कैश मेमोरी। द बेसिक पर्पज ऑफ कैश मेमोरी टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट आर फ्रिक्वेंटली रेफरेंस बाई द सॉफ्टवेयर डूइंग ऑपरेशन। तो इसका जो मेन फंक्शन क्या है? ये बार बार उसी डेटा को लेना जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ गई। फास्ट एक्सेस टू द इंस्ट्रक्शन इंक्रीजेज ओवरऑल स्पीड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और ये इसका क्या है, बार बार यूज करने से हमारा एक बड़ा फायदा हो जाता है, वो होता है जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। द मेन फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी टू स्टीप स्पीड अप द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर की जो वर्किंग वो है वो हमारी इसमें काफ़ी बढ़ जाती है। तो वर्किंग प्रोसेस को हमको बढ़ाने के लिए हमें ये कैश मेमोरी यूज करनी पड़ती है। एडवांटेज, कैश मेमोरी फास्टर देन मैन मेमोरी। तो मैन मेमोरी के बजाय ये कैश मेमोरी मेरी क्या है, फास्टर है। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम टू कंपेयर टू द मैन मेमोरी के बजाय ये एक्सेस करना इसे बहुत आसान है, बहुत जल्दी है। स्टोर प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड टाइम। ऐसे डेटा को ही स्टोर करती है जो अभी थोड़ा समय में पहले ही यूज हुआ है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट स्टोर डेटा फॉर टेम्प्रेरी यूज। और जो डेटा को करती है वो इसको टेम्प्रेरी यूज के लिए करती है। इसके बाद आ गया डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। बट ऐसा नहीं है कि हमें फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी को कुछ नहीं है, बहुत सारी कैश मेमोरी ले लो, पर ऐसा नहीं है। कैश मेमोरी को हमें यूज करने के लिए बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं उसमें, इसकी लिमिटेड कैपेसिटी है। क्या है? लिमिटेड कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद कैश मेमोरी आर वेरी एक्सपेंसिव, पर ये बहुत ही ज़्यादा वो भी है, जो हमारी कैश मेमोरी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, मतलब उसको हमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। इसके बाद आ गया हमारा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी की वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? इट इज़ ए टेक्निक दैट अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस विच आर नॉट कम्प्लीटली अवेलेबल इन द मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी ऐसी मेमोरी, वर्चुअल का मतलब समझ रहे हो, जो चीज़ है ही नहीं। वर्चुअल होता है कि वर्चुअल एक चीज़ देखिए ना कि भाई वर्चुअल इमेज वगैरह तुमने पढ़ी, वर्चुअल चीज़ एक्चुअली जो है नहीं, सिर्फ एक मान लिया जाता है कि भाई ये मेमोरी भी है। इट इज़ ए टेक्निक दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन। ये ऐसी टेक्निक है जो एग्जीक्यूशन को, मतलब प्रोसेसिंग को, प्रोसेस को अलाउ करती है, फॉर द प्रोसेस है विच आर नॉट कम्प्लीटली अवेलेबल इन द मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो हमारा कंप्लीट कर दी है, जो कि हमारे अगर कोई भी नॉट कम्प्लीटली अवेलेबल, कोई चीज़ मेमोरी में ही कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है, ऐसे प्रोसेस को जो एग्जीक्यूट कराती है वो होती है हमारी वर्चुअल मेमोरी। द मेन विजिबल एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज दैट प्रोग्राम कैन बी लार्ज देन द फिजिकल मेमोरी।
तो इससे क्या है कि जो प्रोग्राम है वो लार्ज हो सकता है, बजाय फिजिकल जो मेमोरी है उसकी बजाय ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कुछ तो फिजिकल मेमोरी में आ गया, उसके बाद जो मेमोरी आ जाती है वो वर्चुअल मेमोरी में भी डेटा आ जाता है। वर्चुअल मेमोरी इज द सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी और ए फिजिकल मेमोरी। जो वर्चुअल मेमोरी है हमारी वो एक सेपरेशन है किसका, यूजर का है जो कि लॉजिकल मेमोरी का, और फिजिकल मेमोरी का, इन दोनों का क्या है, एक सेपरेशन है। द सेपरेशन अलाउज एज एक्सट्रीमली लार्ज वर्चुअल मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर प्रोग्रामर्स विच ओनली स्मॉलर फिजिकल मेमोरी। और ये कब काम आती है, जब हमारे पास स्मॉल फिजिकल साइज वाली मेमोरी अवेलेबल है तो हमें उससे हमारे ज़्यादा प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं, किसके थ्रू, वर्चुअल मेमोरी के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी। एक बार इसको मुझे इसमें बीच में एक स्लाइड डालनी पड़ेगी, होम इंसर्ट न्यू स्लाइड, एक सेकंड, वो स्लाइड आएगी ब्लैंक। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। तो एक्सटर्नल मेमोरी हमारी कौन कौन सी होती है, इसको कर देते हैं डिलीट स्लाइड, ठीक है, स्लाइड सो फ्रॉम। तो अब बात करेंगे हम किस में, एक्सटर्नल मेमोरी। तो एक्सटर्नल मेमोरी हमारी होगी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। सबसे पहले आ गए हम हार्ड ड्राइव्स के बारे में। तो हार्ड ड्राइव के बारे में क्या है हमारा, हार्ड ड्राइव कौन सी, ये हार्ड ड्राइव कॉमनली नोन एज HDD, इनको बोलते हैं हम HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD उसकी फॉर्म हो जाती है हमारी, हार्ड डिस्क ड्राइव। और हार्ड ड्राइव इसको हम हार्ड ड्राइव भी बोल देते हैं, या उसका जो पूरा नाम होता है वो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। और हार्ड ड्राइव आर फॉर्मली नोन एज फिक्स ड्राइव, फिक्स डिस्क, इनको हम फिक्स डिस्क भी बोलते हैं। और ये इज ए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब मैं बार बार बता चुका हूँ, वोलेटाइल का मतलब क्या है, वोलेटाइल का मतलब क्या है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो डेटा लॉस हो जाता है टेम्प्रेरी उसको वोलेटाइल कहते हैं, डेटा लॉस नहीं होता है उसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो इसका मतलब डेटा सिर्फ जो लॉस होता है वो याद रख लेना है, सिर्फ रैम के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, रैम के अंदर होता है, बाद में नहीं होता है। विच स्टोर डिजिटली इनकोडेड डेटा और रैपिडली रोटेटिंग पैटर्न एंड द मैग्नेटिक सरफेस। तो इसके अंदर क्या है, डिजिटली इनकोडेड डेटा को हम इसमें स्टोर करवाते हैं इसके थ्रू, और रैपिडली रोटेटिंग पैटर्न के थ्रू एन ए मैग्नेटिक सरफेस, मैग्नेटिक सरफेस के ऊपर। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ड्राइव जो है रेफर टू एन इंटायर यूनिट कंटेनिंग मल्टीपल पैटर्न प्लेटर्स, तो मल्टीपल जो प्लेटर्स होते हैं उसको ये कंटेन करती है, जिसमें हम रीड राइट हेड असेंबली ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द मोटर, वाइल द हार्ड डिस्क समटाइम प्लेटर रेफर्स टू द स्टोरेज मीडियम इटसेल्फ एंड हार्ड ड्राइव्स आर ओरिजिनली डेवलप्ड यूज विद द कंप्यूटर। मोस्टली मैं मोटी मोटी बात बताती हूँ, हार्ड ड्राइव्स क्या हैं, जो तुमने देखी है हार्ड डिस्क, जो देखी है हार्ड डिस्क होती है ना एक मोटी मोटी, आजकल तो वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ रही हैं 1 TB की, लगभग वो 3-4 हज़ार के आसपास आ रही है। तो वो जो ड्राइव्स होती हैं वो होती हैं हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है। हर एक कंप्यूटर में कई बार अगर आप खोलोगे देखोगे तो कंप्यूटर के अंदर भी आपको हो जाएगा, जो कंप्यूटर में जो देखने से आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम हार्ड डिस्क, कुछ नहीं है वो, मोटी मोटी सी जो हार्ड डिस्क होती है वो होती है, कभी मैं लैब में दिखा दूंगा कि हार्ड डिस्क कौन सी होती है। इसके बाद आती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क सबसे पहले, जैसे आजकल हम पेन ड्राइव वगैरह यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, हम पहले फ्लॉपी डिस्क यूज करते थे। कंप्यूटर में एक ऑप्शन आता था फ्लॉपी डिस्क का, मैं एक मिनट फ्लॉपी डिस्क दिखा देता हूँ। तो मैं ना इसका एंड सो डिस्कार्ड, इनकी मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, फ्लॉपी डिस्क,
इसकी इमेज दिखा देता हूँ, फ्लॉपी डिस्क होती क्या है, मैं डाली नहीं है तो अभी देख। ऐसी फ्लॉपी डिस्क कैसी होती थी देखो, अगर तुम्हें दिख पा रही है तो ये हमारी फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। और इसके लिए कंप्यूटर में एक जगह होती थी फ्लॉपी डिस्क को लगाने के लिए, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क इंसर्शन पॉइंट इन डेस्कटॉप, इंसर्शन पॉइंट इन डेस्कटॉप, ये देखो फ्लॉपी डिस्क को डालने के लिए एक, यहाँ ऐसे ना ये इंसर्शन पॉइंट्स होते थे ऐसे, कि जिसमें हम डिस्क को ऐसे फ्लॉपी डिस्क को डालते थे सीपीयू के अंदर, और ये हमारे जो डेटा है उसको स्टोर करने में ये हमारी काम आती थी। और सेम ही अगर हमारी हार्ड डिस्क को देखोगे तो देखो ये है यूएसबी हार्ड डिस्क, इस तरह की आती है यूएसबी एक्सटर्नल फ्लॉपी डिस्क आ गई। और अगर हम हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी हार्ड डिस्क हो गई। खूब बंदों ने देखी होगी, मुझे पता नहीं है कि सबने देखी या नहीं देखी, पर मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। हार्ड डिस्क ऐसी होती है, कभी कंप्यूटर में देखो तो देखो 500 GB ये हार्ड डिस्क हो गई, ये हमारी हार्ड डिस्क हो गई। और इसमें इस तरह की आती हैं 1 TB, देखो 1.0 TB लिखा हुआ है, ये 500 GB है। चाहे तो हम इनको एक्सटर्नली बना भी सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं, देखो ये रहा 1 TB, देखी है ना। कुछ बच्चों ने नहीं देखी है तो सबको दिखा रहा हूँ, जिन्होंने देखी है तो अच्छी बात है। ये तो हमारी हो गई हार्ड डिस्क ड्राइव, ये है सिग्नेट की, सिग्नेट की जो मोस्टली हम यूज करते हैं सिग्नेट की, और ये करीब आती है 3100 रुपये की 1 TB की, देखो इसकी रेट भी आ गई, ठीक है। एक्सटर्नली हम यूज कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में जब हमें ज़रूरत हो। तो उसके बाद आ गए हम इस पर फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्लॉपी डिस्क देख ली। फ्लॉपी डिस्क इज ए स्टोरेज मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ थिन एंड फ्लेक्सीबल मैग्नेटिक डिस्क इनसाइड ए प्लास्टिक कैरियर, एक प्लास्टिक कैरियर के अंदर, एक प्लास्टिक कैरियर के अंदर हमारी क्या है, ए फ्लॉपी डिस्क इज ए स्टोरेज मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ ए थिन फ्लेक्सीबल मैग्नेटिक डिस्क इनसाइड ए प्लास्टिक कैरियर, ए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और ए FDD इज ए फ्लॉपी ड्राइव इज डिवाइस इज यूज टू रीड डेटा स्टोरेज इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत कम मेमोरी रखती थी हमारी, बहुत पतली सी स्लिम सी होती थी, फ्लॉपीज डोंट हैव मच स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, और कैन गेट इफेक्टेड बाई हीट, थोड़ा सा भी अगर हीट से भी ये हमारी क्या हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। उसके बाद दे हैव टू हैंडल मोर केयरफुली, बहुत ही उससे इसको हमें केयरफुली यूज करना चाहिए था। जैसे हार्ड ड्राइव वगैरह उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पटक दी कहीं भी पड़ी हुई है धूल मिट्टी से इतनी दिक्कत नहीं है, बट जो हमारी फ्लॉपीज थी ये बहुत ही केयरफुली रखनी पड़ती थी, और बहुत ज़्यादा डेटा नहीं स्टोर हो सकता था। ऐसा नहीं है कि तुम उसमें कोई मूवी स्टोर कर लो, कोई गाने स्टोर कर लो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कोई हमारी ये PPT हुई या कोई हमारी ये हो गई वर्ड की फाइल हो गई, तो जो छोटे मोटे प्रोग्राम हैं वो यूज हम कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आ गया पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के बारे में तो आजकल ये हमारी यूज हो रही है तो हर कोई बच्चा जानता है पेन ड्राइव क्या है। पेन ड्राइव्स आर रोबस्ट एंड द स्क्रैच फ्री, द इंश्योरिंग मैक्सिमम सिक्योरिटी फॉर द डेटा इज कम्पेयर टू द अदर ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ डेटा। ट्रेडिशनल मतलब जो हम पहले जो डेटा यूज कर रहे थे, पहले जो पेन ड्राइव वगैरह ये थी, उनकी बजाय जो पेन ड्राइव है वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। मैनी अवेलेबल PC सॉफ्टवेयर सूट परमिट द लॉन्च ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द बूटेबल पेन ड्राइव, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टोरेज के लिए हम विंडो को भी रख सकते हैं इसमें, और विंडो को भी हम इससे क्या कर सकते हैं, बूट करा सकते हैं, किससे, पेन ड्राइव में। बहुत लोग ऐसे करते हैं पेन ड्राइव में ही अपनी विंडो रखते हैं और उससे बार बार अगर बूट कराने की ज़रूरत है, दोबारा से विंडो डालने की, नई विंडो डालने की ज़रूरत है, पेन ड्राइव से बूट कर सकते हैं। पहले अगर तुम देखोगे कि जो बूट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आते थे, या तो हमें CD आती थी या कोई एक्सटर्नल वो डिस्क आती थी, अब हमारी क्या आती है, पेन ड्राइव भी उसमें आती है। जब भी तुम विंडो डालने के लिए देखोगे तो उस वाले में तुम्हें एक नया ऑप्शन भी मिल जाएगा पेन ड्राइव का भी। मोरेवर कंपनी सेलिंग पेन ड्राइव्स नाउडेज आल्सो
कपल इट विद द अदर डिवाइसेज लाइक MP3 प्लेयर, LED प्लेयर, और जो पेन ड्राइव है आजकल इनको, पहले तो MP3 प्लेयर वगैरह इनके साथ नहीं कर सकते, पर आजकल इन USB वगैरह को भी सारों को कर सकते हैं। अगर तुम अपनी कार में देखोगे तो कार में एक USB पोर्ट होता है, तो USB पोर्ट के थ्रू भी हम पेन ड्राइव में अगर गाने हैं तो उसमें ले सकते हैं। मोस्टली जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं तो वो अपने मोबाइल को कनेक्ट नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी एक पेन ड्राइव के अंदर ही अपने डेटा को, गानों को स्टोर करा लेते हैं, और वो कंटिन्यूसली उनको 24 24 घंटे चलाना होता है, तो वो कंटिन्यूसली पेन ड्राइव से ही चलती है। मेमोरी यूनिट, अब उसके बाद आ जाता है एक छोटा सा नया टॉपिक है, वो क्या है, मेमोरी यूनिट इज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन स्टोर इन स्टोरेज यूनिट। तो जो मेमोरी है एक यूनिट है, क्या करते हैं अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है, किसमें, स्टोरेज यूनिट में। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बाइट, जो ये स्टोरेज कैपेसिटी है इसको हम बाइट्स में करते हैं, माने 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB, ठीक है, बाइट में करते हैं, और एक बिट में 8 बाइट होती हैं। द फॉलोइंग टेबल कैन बी एक्सप्लेन, जैसे कि अब मेमोरी के बारे में बता रहा हूँ, सबसे पहली जो छोटी यूनिट होती है वो होती है निम्बल, सबसे पहले छोटी होती है, सॉरी, 1 बिट, 1 बिट डिजिटल 0 और 1 रिप्रेजेंटिंग ए पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए, 1 बिट का मतलब है या तो 0 या 1। निम्बल होती है जिसमें 4 बिट होती है, 4 बिट को एक निम्बल बोलते हैं, और 8 बिट को एक बाइट बोलते हैं, और जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जो फिक्स नंबर ऑफ बिट्स वगैरह हैं, वो जो 69 बिट्स का, उसको हम वर्ड बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कहें 1 KB, 1 KB में कितनी होगी, 1024 बाइट, 1 MB में कितनी होगी, 1024 KB, 1 GB में कितनी होगी, 1024 MB, 1 TB में कितनी होगी, 1024 GB, और 1 PB में होगी 1024 TB, ठीक है। इसका तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। तो हम जो मेमोरी वाले में बात कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में हमने सब कुछ कर लिया है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद एक दिन का भी टॉपिक नहीं है, ये तो एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन पेरिफेरल एंड मेमोरी मैप आउटपुट, ये कर लूँगा। और एक दिन में तुम्हारा ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, और ये अब तुम्हारे एक दिन की क्लास में ये मेमोरी वाली जो फोर्थ यूनिट है शायद, फिफ्थ यूनिट है आई थिंक, ये पूरी की पूरी एक लेक्चर में ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी का इस वाले में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मुझे बता देना, दोबारा वीडियोज़ को देख लेना, क्योंकि वीडियोज़ में सब कुछ अवेलेबल है, तो वो सारा की सारा तुम देख सकते हो, जो सब कुछ है तुम्हारे सामने आ ही गया है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं।